आज ही के दिन सन 1920 में मशहूर सितार वादक पंडित रविशंकर का जन्म हुआ था। भारत में पंडित रविशंकर ने अपना पहला कार्यक्रम 1939 में दिया था और देश के बाहर पहला कार्यक्रम 1954 में तत्कालीन सोवियत संघ में दिया था। पंडित रविशंकर को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार, पद्म विभूषण और भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। आज के दिन सन 1954 में अभिनेता, एक्शन कोरियोग्राफर, फिल्म निर्माता और मार्शल आर्टिस्ट जैकी चेन का जन्म हुआ था। जैकी चेन अब तक 100 फिल्मों में काम कर चुके हैं और 20 से ज्यादा एल्बम में गाना गा चुके हैं, जिनमें उनकी अपनी फिल्म यंग मास्टर भी शामिल है। जैकी चेन को हांगकांग एवेन्यू ऑफ स्टार्स और हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम सितारे से नवाजा गया है। आज के दिन सन 1942 में बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता जितेंद्र का जन्म हुआ था। वर्ष 1964 में जितेंद्र को फिल्म गीत गाया पथरोने में काम करने का अवसर मिला और इस फिल्म के बाद जितेंद्र हिंदी फिल्म जगत में अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहे। 1967 में आई सुपरहिट फिल्म फर्ज से जितेंद्र की छवि डांसिंग स्टार के रूप में उभरी। आज के दिन सन 1999 में व्यापार संगठन ने यूरोपीय संघ और अमेरिका के बीच केले के व्यापार को लेकर लंबे समय से जारी विवाद को खत्म करते हुए अमेरिका के पक्ष में फैसला सुनाया। ये सारा विवाद इसलिए खड़ा हुआ था क्योंकि यूरोपीय संघ कथित रूप से अफ्रीका और कैरेबियाई द्वीप समूहों के उत्पादित केले के व्यापार को अधिक बढ़ावा दे रहा था, जिसकी वजह से लैटिन अमेरिका और अमेरिका के केले व्यवसायियों को आर्थिक नुकसान हो रहा था। सन 2000 में दिल्ली पुलिस ने करोड़ों रुपए के क्रिकेट मैच फिक्सिंग और सट्टेबाजी के रैकेट का पर्दाफाश किया था, जिनमें दक्षिण अफ्रीका के 5 खिलाड़ी शामिल थे और इस मामले में दिल्ली के एक ऑपरेटर राजेश कालरा को भी गिरफ्तार किया गया था। और आज के दिन सन 2011 में प्रसिद्ध कवि जानकी वल्लभ शास्त्री का निधन हुआ था। शास्त्री जी ने 16 साल की उम्र से ही लिखना शुरू कर दिया था। इनकी प्रथम रचना गोविंद गानम है। साहित्य में इनके योगदान के लिए उन्हें राजेंद्र शिखर पुरस्कार, भारत भारती पुरस्कार, शिव सहाय पूजन पुरस्कार से नवाजा गया है।